अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, हम आपको आपके अपने चैनल अबासी हेल्थ क्लब में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम आपको विटामिन D3 के ड्रॉप्स डी रिच के बारे में बताएंगे। डी रिच ड्रॉप्स में विटामिन D3 पाया जाता है। अब जब आपके बच्चे को विटामिन D3 की कमी होगी तो उसे बहुत सारे मसाइल होंगे, जैसे कि हड्डियों की कमज़ोरी, पट्ठों में कमज़ोरी, अकड़न, जकड़न या दिल के पट्ठों की कमज़ोरी वगैरह शामिल हैं। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा विटामिन D3 की कमी से महफूज रहे तो आप उसे विटामिन D3 यानी डी रिच ड्रॉप्स जो हैं ये इस्तेमाल करवाएं। नाजरीन, आजकल ज़्यादातर बच्चे फार्मूला दूध पीते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों या गजाई कमियों का शिकार होना पड़ता है। उस कमी में एक विटामिन D3 की कमी है, यानी अगर जो बच्चे माँ के दूध के अलावा बाहर का दूध पीते हैं तो अक्सर उनको विटामिन D3 की कमी हो जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए डी रिच ड्रॉप्स एक बेहतरीन इलाज हैं। आप रोज़ाना 3 कतरों से लेकर 10 कतरे तक, यानी उम्र और वज़न के हिसाब से अपने बच्चे को दे सकते हैं। इस तरह 3 माह तक देने से आपके बच्चे की विटामिन D3 की कमी दूर हो जाएगी। डियर व्यूअर्स, विटामिन D3 का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये एक विटामिन है जो कि बच्चों की सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। हाँ, अलबत्ता अगर आप इसकी खुराक ज़्यादा कर दें तो कभी कभार बच्चे का पेट ख़राब होने का ख़तरा होता है या उसे वॉमिटिंग यानी उल्टी हो सकती है। लिहाजा आप डॉक्टर की तजवीज़ करदा मुकर्रा जो मकदार है उसके मुताबिक ही आप इस्तेमाल करें। नाजरीन, विटामिन D3 की कमी के लिए डी रिच ड्राप से बेहतरीन कोई ड्राप नहीं जो कि आपके बच्चे के अंदर विटामिन D3 की कमी को दूर कर सकें। इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल अबासी हेल्थ क्लब को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।